जन जन की है यही पुकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कोरोना की वजह से यूपी चुनाव प्रचार का रंग फीका है और रैलियां रोड शो नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से राजनीतिक दल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और डिजिटल तरीके से लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक डिजिटल अभियान चलाया जिसमें वैन रवाना करके प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में इन वैन को भेज करके सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है और ये वो वैन्स हैं जिसपे LED स्क्रीन्स लगा करके एक रथ तैयार किया गया है और ये रथ यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार के नारे को लेकर के जनता के बीच जा रही है। और इन LED वैन्स पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का बखान दिखाया जाएगा। तो गली गली चौराहे चौराहे इन वैन्स को ले जा करके सरकार के जो उपलब्धियाँ हैं उनको दिखाने की कोशिश होगी। तो ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को शुरू किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। आप देख सकते हैं कि ये मंच सजा हुआ है, प्रचार रथ शुभारंभ, और 22 तारीख को ये रथ यहाँ से रवाना हुई जहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सामने निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकल के घर घर प्रचार अभियान भी चलाएंगे, लोगों के बीच जाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं बड़े नेता वो सब अलग अलग जिलों में जाकर के बात करने की कोशिश करेंगे महाराज। तो हम कोशिश करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करने की। अनुराग जी एक सवाल, तो देखिए फिलहाल मीडिया से बात नहीं करना चाहते। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बिल्कुल सामने मौजूद है जो BJP दफ्तर से इस प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद निकल रहे हैं। तो ये सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में मनीष दीक्षित जी जो प्रदेश प्रभारी हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो मनीष जी आज ये जो प्रचार अभियान है क्या योजना है, किन किन जिलों में कहां कहां जाएंगे, क्या अभियान है? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रथ आज से प्रारंभ हुआ है ये उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जाने वाला है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी CM जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अनुराग ठाकुर जी ने रवाना किया है। ये रथ हमारे सभी 403 विधानसभा चुनाव में जाकर हमारी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके लिए हमने काम किया है उनका प्रचार प्रसार करेगा। साथ ही इनमें जो हमारे गीत हैं, जो हमारे और अन्य कार्यक्रम, उनके माध्यमों से जनता को ये बताया जाएगा कि हमने कैसे अपनी 5 साल की सरकार में लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, गरीब के कल्याण के काम किया है, किसान के कल्याण के लिए काम किया है, महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया है। तो ये प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं मनीष दीक्षित जिनको आप सुन रहे थे, ये बता रहे हैं कि ये रथ अलग अलग जिलों में जाकर के प्रचार प्रसार का काम करेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की जो खास बात रही है उस पर भी नजर डालते हैं कि जब संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हुआ तो इन दोनों बड़े नेताओं ने एक मुद्दा जोर शोर से उठाया और वो मुद्दा था पलायन का। कैराना का पलायन सबको याद होगा, सपा की सरकार थी और ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और उसी कैराना में घर घर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और उसी पलायन के मुद्दे को उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रदेश में अब अपराधियों का पलायन होता है, आम लोगों का पलायन नहीं होता है। और उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पलायन रोकने का काम BJP की सरकार ने किया है, कोई मायका लाल अब इस प्रदेश में पलायन नहीं करवा सकता। तो सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पर साधने की कोशिश की गई उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। सीधे सीधे एक लाइन तुष्टिकरण की बात की गई और एक लाइन लेने की कोशिश की गई कि जिस लाइन में BJP चाहती है कि वो सारे मुद्दे उठाए जाएं जिन मुद्दों को लेकर के वो 2017 में लोगों के बीच गई थी और सरकार बनाई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस चुनाव में आप देखिए कि जो भी दल लड़ाई में है, BJP और समाजवादी पार्टी, जो साफ साफ चुनाव की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दल एक दूसरे पर ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा करके हमला कर रहे हैं जिन मुद्दों को ये लेकर के जनता के बीच जाना चाहते हैं। और चूंकि चुनाव प्रचार में एक रोक टोक है, प्रतिबद्धता है कि रैलियां रोड शो फिलहाल नहीं हो सकते हैं, ऐसे में ये कोशिश है कि अपने बयानों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए ये नेता अपनी बात लोगों तक पहुँचा सके। और उसी कोशिश के तहत आज ये वैन भी निकाली गई है और साथ ही
ये जो पलायन का मुद्दा है वो भी उठाया गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज वही मुद्दा उठाया जिस मुद्दे को लेकर के वो चाहते हैं कि जनता के बीच जाएं, जनता से बात करें। देखिए केशव जी, एक बार नारा दो। मैंने एक बार नहीं, अनेक बार बताया है और उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके मैंने देखा है, सुना है, समझा है। आज प्रचार अभियान का जो हमारा रथ रवाना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी के दंगागर्दी, समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोल देख करके जनता के सामने रखने का काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जन जन की यही पुकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे, बताएंगे कि उनकी सरकार में किस तरह की गुंडागर्दी थी। ये कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है, पलायन को मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सपा बसपा की सरकारों में जो अव्यवस्था थी, अपराधी राज था, उन अपराधी राज को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही मुद्दा लेकर के जो बड़े नेता हैं वो अब पश्चिमी यूपी का रुख करेंगे, जहां पहले चरण में मतदान होना है। और उसी रुख करने के लिए आप बीजेपी दफ्तर से केशव प्रसाद मौर्य और तमाम भाजपा नेताओं को देख सकते हैं जो निकले हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में वो अपने तरीके से अपने पिच पर विपक्ष को लेकर के आए, और इसीलिए बयानों में लगातार इस तरह की बात कही जा रही है जिससे सपा प्रतिक्रिया दे और उससे ये मामले मुद्दे बन जाए। तो फिलहाल बीजेपी ने रथ निकाल दी है, समाजवादी पार्टी की रथ पहले ही सड़कों पर थी लेकिन कोरोना की वजह से अब रथ रुकी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि सपा की रुकी हुई रथ जो चल चुकी है उसका असर होता है या बीजेपी की जो रथ अब निकली है उसका असर होता है। लेकिन ये तय है कि यूपी में सीमित चुनाव प्रचार के बीच भी चुनाव बहुत मजेदार और ऐसा होने जा रहा है जिसमें सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है। तो जनता किसको चुनती है ये जानने के लिए 10 मार्च तक लगातार एबीपी न्यूज देखते रहिए, ये हम अपील करते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।